राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दक्षिणी कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 1100 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था रविवार सुबह जम्मू के एक आधार शिविर से रवाना हुआ। केरल के वायनाड में भूस्खलन से हुई भारी तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठ रही है। जब इसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए इसकी वैधानिकता की जांच करेगी। राजधानी दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों से बात की। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक 50 साल पुराने घर की दीवार गिर गई, जिससे 9 बच्चों की मौत हो गई और आधा दर्जन अन्य घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में आपराधिक न्याय तंत्र को मजबूत करने के लिए निर्मित ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, जिन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए राज्यव्यापी दौरे पर जाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार की सुबह न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कोपरखैरन में देर रात 5 मंजिला इमारत की गैलरी का स्लैब ढह गया, जिसके बाद इमारत में रहने वाले करीब 70 लोगों को निकाला गया। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना से सवाल किया कि रिश्वत लेने के आरोप में पूर्व में निलंबित किए गए एक अधिकारी को आशा किरण आश्रम गृह का प्रशासक क्यों नियुक्त किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह खेदजनक है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की वरिष्ठतम मंत्री अतिथि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की मंत्री पद की जिम्मेदारी से इनकार कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24/7 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पानी हम सभी के लिए बेहद जरूरी है और पानी के बिना जीवन असंभव है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के चलते अब मनी माजरा के लोगों को 24 घंटे 365 दिन पानी मिल सकेगा। शाह ने कहा कि सरकार की इस योजना से मनी माजरा के 1,00,000 लोगों को घर बैठे पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद पानी की बर्बादी को रोकना, साथ ही इसमें स्मार्ट मीटरिंग, लीकेज रोकने जैसी चीजें भी शामिल हैं। जिनके अथक प्रयास के कारण आज योजना साकार हुई है, ऐसी हमारी पूर्व सांसद बहन किरण जी, क्योंकि जब वो सांसद थी तब लगातार प्रयास कर रही थी प्रोजेक्ट के लिए, शुरू भी उनके समय में ही हुआ और मुझे आनंद है कि आज जब उद्घाटन हो रहा है इसका फल मिल रहा है तब भी वो मंच पर उपस्थित है। भाई और बहनों, एक छोटा सा कार्यक्रम है परंतु मैं जानता हूं 1,00,000 की आबादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव है। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए 24 घंटा 365 दिन सबसे आधुनिक फिल्टर प्लांट में फिल्टर किया हुआ पानी आप सबको मिलने की शुरुआत हो रही है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। चंडीगढ़ में शुरू से ही पानी, सीवर, स्टॉर्म वाटर, इसकी 100% सुविधाएं बनाई गई, परंतु कोई भी सुविधा आप बनाते हैं कितने साल तक सुचारू रूप से चल सकते। आबादी बढ़ती जाती है, पाइपलाइनें पुरानी होती हैं, पानी की गुणवत्ता कमजोर होती है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट को और आधुनिक बनाना पड़ता है, नई पाइपलाइनें बनानी पड़ती है और पानी की उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ती है।
इस सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आपको काम हो नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा। कोई टैंकर नहीं होगा, पहला मजला हो या चौथा मजला, जरूरी प्रेशर के साथ मनी माजरा के पूरे क्षेत्र में 1,00,000 लोगों को पानी मिलने की आज से शुरुआत हो रही है। लगभग 75 करोड़ इसके पीछे खर्च हुआ है, 1,00,000 से ज्यादा आबादी को इसका फायदा मिलेगा और 855 एकड़ में फैली हुई आबादी 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन से अब 24 घंटा पानी की उपलब्धता होगी। जब पानी 24 घंटा देना होता है तो स्वाभाविक है अंडरग्राउंड रिजर्वर बनाए पड़ते हैं, यहाँ पर 2 विशाल रिजर्वर्स बनाकर 24 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित कर दिए हैं और स्मार्ट मीटर लगाने से लीकेज का खर्च भी अब आप पर नहीं आएगा। घर में भी लीकेज है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा और वीएफडी पंप्स लगाकर भी इसको प्रेशर ढंग से आए, इस सारी व्यवस्थाओं को किया है। भाई और बहनों, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को लागू कर हमारे शहरों को इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास, और सबसे पहली शहरों की जो सूची घोषित की गई उसमें हमारा चंडीगढ़ था और अब तक भारत सरकार चंडीगढ़ में 1,000 करोड़ से ज्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च कर रही है। और केवल शहर नहीं, जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध हो, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे इसका प्रबंध हो, इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूं 15 करोड़ घरों में 7 साल के कम अंतर में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। देश के 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया है, मगर आज यहाँ पर एक क्षेत्र के 1,00,000 लोगों को मैं मन से बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ और विशेषकर माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि पानी जब गंदा होता है या कम होता है सबसे ज्यादा परेशानी माताओं बहनों की होती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हरियाणा के फरीदाबाद में आप सरकार द्वारा बदलाव यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के साथ हरियाणा आप पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि सीएम केजरीवाल को लोग उनके कामों की वजह से जानते हैं। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार द्वारा दिल्ली और पंजाब में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा आदि शामिल हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा के लोगों को दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर 5 गारंटी भी दी और आप पार्टी को विजय बनाने की अपील की। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं, पहले पार्टी बनाई खुद की और पहले ही चुनाव में पहली ही बार में दिल्ली के सीएम बन गए, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई। अरविंद जी को उनके काम की वजह से ही देश में, दुनिया में सब लोग जानते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में है, दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए आपके बेटे ने, शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया, इलाज के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां दवाइयां फ्री मिलती है, इलाज अच्छा होता है, बिजली
यहाँ पे भाई साहब ने बताया इतनी महंगी बिजली है, बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे वहां पर। और महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया, और अब जल्दी ही महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए हर महीना हर हजार हजार रुपया देंगे। ढेर सारे काम किए आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताना है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, क्या किया आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए? बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। सोना में खेल का स्टेडियम है सोना में, लेकिन वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है, क्या फायदा स्टेडियम का? सरकारी कॉलेज नहीं है, भाई साहब ने अभी बताया, बच्चे कहां जाएं पढ़ने के लिए? आपके बेटे ने आप सबके लिए 5 गारंटी दी हैं। आपको मैं 5 गारंटी आपके बेटे की बताती हूँ। पहली गारंटी, तो हर घर की घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली पंजाब में कोई पावर कट नहीं लगता, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, पास पास मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, जहां अच्छा इलाज होगा, फ्री इलाज होगा, सरकारी अस्पताल अच्छे किए जाएंगे। तीसरी गारंटी, हर सरकारी स्कूल को शानदार बनाया जाएगा, जहां अच्छी शिक्षा होगी। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीना हजार हजार रुपया मिलेंगे। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, इन सब की खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली, पंजाब बदला, अब आपको उन्हें अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। वहीं इस अवसर पर एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली है। वहीं अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के उपाय हुए हैं। सीएम ने कहा कि इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च कर पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावित उपाय किए गए हैं, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली है। इसके साथ ही 3 लाख से भी अधिक आबादी को भी बाढ़ से बचाया गया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद कुशीनगर के नारायणी नदी के उस पार जो गांव स्थित है, श्री वहां पर शिवपुर, नारायणपुरा,
मरचावा, हसनपुर, हरिहरपुर, अन्य प्रभावित गांवों के सभी हमारे नागरिकगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे भैंसहा चितौना तटबंध पर बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष के अंदर समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के कारण जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं, इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली, अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। आप देखते होंगे ये तो पहाड़ की एकदम तलहटी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहां पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है। बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी अन्य कार्य, विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा प्रशासन, सिंचाई विभाग के लोग आपके साथ खड़े होकर के आपको हर संभव मदद करेंगे और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी आपको सरकार की पूरी मदद मिलेगी। आपके प्रति मेरी पूरी संवेदना है, आपको हर संभव सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए 24 घंटे प्रशासन और शासन तैयार रहेगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा में महारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कुरुक्षेत्र से चुनाव अभियान का शंखनाद हो रहा है और 90 की 90 विधानसभा में भव्य रैली आयोजित की जाएगी। वहीं सीएम ने बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि सरकार ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, बिजौलिया प्रथा खत्म की, हमने भेदभाव दूर करके विकसित हरियाणा का निर्माण किया है। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहाँ से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस पावन भूमि का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आप सब के बीच में आया हूँ। यही भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी के उसी संदेश को आत्मसात करते हुए हमने प्रदेश के लोगों की तस्वीर, तकदीर बदली है, हरियाणा की तस्वीर बदली है, विकास की नई इबारत लिखी है। हमने प्रदेश में सबसे पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है इसके माध्यम से हमने प्रदेश के खजाने से निकला हर पैसा उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जिसके लिए वह हकदार था। इसी के द्वारा हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालियां लेते थे। इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में कहते हुए कि आपने हरियाणा बनने के बाद कई सरकारों का कामकाज देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल के पहले विकास के मामले में क्षेत्रवाद पनपता था, दिखाई देता था। याद करिए कैसे 10 वर्ष 2014 से पहले निराशा, अविश्वास, कुंठा, भय, भ्रष्टाचार का दंश ये प्रदेश की जनता झेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को स्पर्श जनादेश देने के बाद वह जनादेश व्यवस्था परिवर्तन के लिए था और उस पुरानी व्यवस्था को बदलने से परिस्थितियां एकदम बदलती हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दी है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने नेक नियत से और बुलंद इरादों से जनता के अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूँ। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए
ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक एक घर के अंदर जा करके ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल छात्र महासंघ द्वारा सर्वोदय 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। सीएम ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और आने वाले दशक उत्तराखंड का होगा। इसको लेकर राज्य व केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा भारत के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भारत की युवा शक्ति के आगे नतमस्तक है। सभी आए हुए अभिभावकगण और आज जिनके निमित्त ये छात्र महासंघ का ये शानदार कार्यक्रम, ये रंगारंग कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का छात्र संघ महासंघ 19 विद्यालयों के छात्र संघ से मिलकर बना हुआ एक संगठन है। भाइयों बहनों, आप हमारे देश का भविष्य हैं। मैं अपने इन युवा कर्णधार भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपके कंधों पर हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। छात्र राजनीति का यह दौर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, और यह हमें नेतृत्व और जो संगठनात्मक जो क्षमताएं हैं उससे भी हमको अवगत कराने का काम करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर हम सभी अपने विचार प्रकट करने और नेतृत्व कौशल के गुर सीखते हैं और समाज में जो सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका का भी ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं। निकट भविष्य में हमको किन किन परीक्षाओं में अपने को उत्तीर्ण करना है या उन परीक्षाओं से गुजरना है, उन जिम्मेदारियों का बोध भी हमको इस प्रकार के संगठनों में काम करने से मिलता है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, आज जहां एक ओर युवा भारत के हर क्षेत्र में आज आगे आ रहा है, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व तो आज भारत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भी भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य, युवा शक्ति के सामर्थ्य के आगे नतमस्तक है। आज का भारत अपने सभी युवा साथियों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का काम कर रही है। युवाओं के लिए जहां स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना ने उन्हें नए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में स्थापित और प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने सपनों का अवश्य साकार करेंगे और हमारे प्रदेश को और देश को सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
सुनो